हमारी पास की है, उसी खुशी में पार्टी हुआ तो आज मेरा रिजल्ट भी आया। और अब चल रहे हैं पास के सलून, सलून जाकर के थोड़ा सा हेयर कट करवाएंगे और थोड़ा सा शेव भी करवाना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्लर, बुग्गा भी जा रहा है साथ में पार्लर, बुग्गा मम्मी सब, मम्मी भी जा रही है। दीदी यहाँ पे अपना फेस वैक्स करवा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे आँखों से एकदम आंसू गिर रहा है। जो हमारी कर रही है दीदी, हमारे बगल में बैठी हुई है। अरे ये तो भागे जा रहा है, ये तो भाग रहा है एकदम से। गाड़ी घुमाइए, अभी जाइए जाइए उधर जाइए जाइए जाइए। ज्ञान एक ज्ञान भैया क्या बोल रहे हैं, भैया क्या बोल रहे हैं आपको? तो अपना मजे से घूम रहा है पूरा। वो अपने से फूटा सुनवा का डर से बैठ रहे जो खड़ा हो जत कर चढ़ा को मिल जा। आजा 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 आजा, इधर आ, देख आता है क्या, आजा क्रियान। श्रियांश का छोटा भाई क्रियांश, लड्डू और क्रियांश का नाम सेम हो गया, श्रियांश और क्रियांश। हाँ। सब देख रहा कि रो रहा है, आ जा आ जा। तोरा मायो ना झूलल को, तोरा बापो ना झूलल को, तोरा हम ही झूले लियो झूलना रे, तेरे सुन ललना। तोरा रे तेरे सुन ललना। क्रियांश क्या झूले तो प्यार से खूब बढ़िया मजा से अच्छा लग रहा है आपको क्रियांश? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, इसको पकड़ना है, प्यार मजाक पकड़ना है। चुना बेटा बहुत चलाक लड़का है, पूरा मोजा खोल लिया, देख के ना क्या दिल के मोजा। इसको ना मोजा पहनना, ना टोपी पहनना, कुछ ना पहनना, ऐसे ही रहना। आज हम ट्यूशन जा रहे थे ना, लिफ्ट में अटक गए, लिफ्ट का लाइट चला गया, लिफ्ट में अटक गए। बढ़िया है, देखे सर। A few moments later. और यहाँ गतिक आ गया है अपनी मामी के गोदी में, और इसका तो नजर है इस बैग पर है। क्या मिल रहा है इस बैग में गतिक? ये देखो, ये बैग से ही खेलेगा अभी। ओए गतिक, ओए गतिक, बहुत सीरियस है, एकदम काम में व्यस्त है, एकदम अपने काम में व्यस्त है ये। गतिक अभी जूस पी रहा है, इसमें जो है सेब डाल दिया गया है, ये अपना चूस चूस के खत्म कर चुका है। और घर से यहाँ दूध पी रहा है, दादी पिला रही है दूध, दूध पी रहा है दादी माँ के साथ, दादी माँ पिला रही है दूध। सब्जी बना रही है, यहाँ पे हमारी सब्जी लगभग बन चुकी है। और इधर परी देव क्या लेके आए हैं? चौमिन लेकर के आए हैं और चिली पोटैटो। तो यहाँ पे हम लोगों का चौमिन लग चुका है, तो सभी लोग खा रहे हैं। तो कैसा लगा दीदी आपको? तुम खा के बहुत मजा आएगा, क्योंकि तीखा है, तीखा बहुत। क्या दिक्कत है, खाओ तीखा। खाने में केक से दूध पिला देगा, हाथ से खा रहे हैं, हम पोता मुंह देख रहा है। और नहीं पापा, तो इतना ज्यादा तीखा था कि मेरा पूरा होठ पूरा लहर है, कल भी जल रहा है, बहुत तीखा, बहुत मुझे तीखा लग रहा है, पर जो होठ पट है उस पे लग रहा है थोड़ा। जिया वो हमारी पास की है, उसी खुशी में पार्टी हुआ तो आज मेरा रिजल्ट भी आया बहुत अच्छे परसेंटेज से, तो इस वजह से मम्मी बोल रही थी पार्टी दो, पार्टी दी, पार्टी उठी, हम कुछ नहीं दिए जो सर आगे भाग जाए ना, उसमें बहुत मिर्ची डलवा दिया। तो पार्टी में जो है थोड़ा सा और चार चांद लग गया उस मिर्ची से। दीदी ये बतासा है ना दीदी?
कटिहार से दीदी के लिए, दीदी का फेवरेट है कटिहार खाजा, जो कि हम लेके आए तो हम भूल ही गए थे, बहुत कुछ लेके आए बस भूल गए, निकालते हैं अभी तुरंत। ये लीजिए, इसमें देखिए क्या, देखिए क्या, ये तो ये ट्रेन से उठा के लेके आए दीदी, ये ट्रेन से उठा के लेके आए। और इसमें दीदी आपके लिए मेरा फेवरेट खाजा, हम सोचे मिठाई तो यहाँ पे भी मिलता है सारा, लेकिन आपको जो पसंद है ये यहाँ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं। हाँ आप पहले खा के बताइए कैसा, मस्त बहुत अच्छा लगा, मुझे भी आधा ही चाहिए उसमें। यहाँ ग्रांस फिर से उठ चुका है, कितने सोए आप, तुरंत उठ गए, मैं तो शाम को छो के उठाई था ना, कि मैं छोऊंगा। इधर दीदी खा रही हैं, परिदेव खा रहे हैं, इधर पापा खा रहे हैं। तो दीदी कैसा लगा बताइए सब्जी, बहुत बढ़िया सब्जी, मैंने पहले बोल दिया था, पहले बोल दिए आपको, मेरे मुंह में छाला है तो थोड़ा उसके हिसाब से तीता लग रहा है। दोनों कभी नहीं कह सकता जी तुम्हारा सब्जी अच्छा है। कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं कभी। पूछो अभी तो दही पापड़ी खा के आ रहे थे बात, उसमें मिर्ची था कि नहीं, उसमें था कि नहीं, उसमें बिल्कुल नहीं था, दही था ना ऊपर से वो दिया हुआ था मीठा वाला चटनी, इतना चौमिन जो तीखा लेके आए उसमें था कि नहीं, चौमिन में था लेकिन इससे ज्यादा था होगा, उसमें कमी नहीं निकली आपकी, कमी कहाँ निकाले, पैसा ऐसे फ्री में मिल गया आपको। सब्जी देख के ही लग रहा है कि अच्छा बनाई हो, लेकिन इस पे है कि तुम बहु किसकी हो। बिल्कुल दीदी नानी की, दीदी नानी की, बढ़िया बात, सही कहा इसने, क्यों क्या हुआ, कुछ कमी नहीं लग रहा है कि कुछ अच्छा लग रहा है, सब्जी बढ़िया है, नहीं बढ़िया सब्जी है, बस खाली मुझे वो दिक्कत, इनका कुछ ना कुछ कमी मिल ही जाता है, उसका सब्जी का नहीं, मेरे मुंह के छाले की दिक्कत है। और इधर मेरे बेटे को देखिए, बाबा को देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, हाँ जल्दी है, कमी सब्जी में नहीं है, कमी मेरे मुंह में। सही बात, तुम सुबह चले जाना, तो हम मम्मी कह रही है अगर हम पार्लर नहीं गए कल तो फिर हम शादी में नहीं जाएंगे, तो सबको पार्लर भी जाना है, और इधरों को कौन संभालेगा भगवान जाने, ऐसा करेंगे तो चले जाना, हाँ अकेले भी चले जाएंगे, ठीक है, तुम लोग अपना दाढ़ी उड़ी कटवा लेना, बुढ़े की तरह नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पे प्लानिंग हो रही है कैसे कौन जाएगा, ठीक है। अभी रात के 12 बज रहे हैं और क्रियांश को देख सकते हैं, जय जय सीताराम बोलो, हरे हरे राम बोलो, जय जय सीताराम, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम, शादी है आज मेरे चाचा की, चंदन बाबा आज मेरे चाचू का शादी है, ये साल मुझे दे दे, नेक्स्ट डे। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और दोनों बउआ उठ चुका है और सभी लोग बाहर में, इधर दीदी बलराम जो सो रहे हैं, तो चलते हैं बाहर। ये देख रहा है बाबू से क्या कर ले मेरी मम्मी को, मम्मी दोनों को देखिए कितना आराम से देख आएगा, पेट पूजा हो गया हमारा और अब चल रहे हैं पास के सलून, सलून जा करके थोड़ा सा हेयर कट करवाएंगे और थोड़ा सा शेव भी करवाना है, तो चलते हैं। हमारा फ्लोर है 17 और अभी यह पहुंचा हुआ है 4th फ्लोर पर। अच्छा भाई साहब ये तो नीचे ही जा रहा है, दूसरा लिफ्ट देखते हैं। ओह यहाँ तो लगी हुई है, बढ़िया। Later. तो हमारा हो गया थी हेयर कट और करवा लिया सेव और भाई साहब ने अच्छे से कर दिया। क्या नाम हुआ आपके सलून का? प्रो मेकओवर। और यहाँ विंडसोर अपार्टमेंट है तो यहीं पर आए हुए थे अपनी सिस्टर की, हाँ तो यहाँ पर अपना करवा लिया और सेटिस्फाइड हैं जी, तो चलते हैं अब जल्दी से चलते हैं जी अपने फ्लैट पर। हमारा तो हो गया काम और अब जो है मम्मी को, नैन्सी दीदी को और जिया को, इन तीनों को जाना था पार्लर, बस हमारा ही इंतजार कर रहे थे ये सब कि हम आएंगे तब वो लोग निकलेंगे, क्योंकि जी बात क्या है कि घर में बच्चे हैं और बच्चे को पकड़ने के लिए कोई ना कोई तो आदमी की जरूरत रहती ही है, इसीलिए सब एक एक करके जाते हैं। घर में बनाने सबके लिए चाय, दीदी के लिए स्पेशली हम कटिहार से चाय पत्ती लेके आए, ये चाय पत्ती
20 मिनट्स लेटर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्लर, बुग्गा भी जा रहा है साथ में पार्लर, और मम्मी भी जा रही है। तो ऐसे हम लोग एक एक करके जा रहे हैं। दीदी जा रही है अभी छोड़ने के लिए, उसके बाद मम्मी करवाएगी, उसके बाद हम करवाएंगे। जब मम्मी आ जाएंगी तो फिर दीदी आएंगी। अभी छोटा वाला बुग्गा सोया हुआ है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। बड़ा बुग्गा हम लोग के साथ जा रहा है देखने के लिए। हाँ चलेगा ना, चलेगा ना मेरे साथ, मेरी हेल्प कर देना थोड़ा। घर आ गई है हमारी लिफ्ट। ये रहा मेरा बुका। बुका। लिफ्ट चले तो कौन देख रहा है? दीदी ये तो हम लोगों की लैंग्वेज बोलते हैं। इधर गई है क्या? बंगाल से लेके। और धूप है लेकिन हवा चल रही है बाप रे। तो आपको क्या करवाना है? मम्मी सबसे पहले करवाएंगी। मम्मी तो करवाएगी, मम्मी बड़ी है सबसे। दीदी यहाँ पे अपना फेस वैक्स करवा रही है। दीदी कैसा लग रहा है आपको? पूरा फेस रेड रेड हो गया। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बाल बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे आंखों से एकदम आंसू गिर रहा है। जो हमारी कर रही हैं दीदी, हमारे बगल में बैठी हुई हैं। हम तो जल्दी जल्दी हटवा रहे। दीदी बोल रही है कि 2 मिनट में हट जाएगा, फिर जब बोल रहे दीदी 2 मिनट हो गया तो और 5 मिनट, क्योंकि मुझे बहुत जलन हो रहा है। अभी डिटेन लगाया ना दीदी आपने, तो और 5 मिनट इसको रखना है। उसके बाद दीदी तो चली जाएगी, जाएंगी आप क्या वेट कीजिएगा? क्या बोले? बाबू लोगों पे डिपेंड है, नहीं तो अकेले अभी आप बोर हो गया। दीदी को भी बैठ के बोर करेंगे। नहीं दीदी को मन लगेगा। हाँ तो मैंने सब कुछ करवा लिया और सच में यहाँ पे आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम आई थी और बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू दीदी, मतलब इतना अच्छे से मेरा सब कुछ करने के लिए। अगर कोई आना चाहते हैं आप तो आ सकते हैं यहाँ पे। गाजियाबाद में कहाँ पे है दीदी? गाजियाबाद में विंसर पैराडाइज 2 255। हाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं फेशियल, जो भी लेना है आप आ सकते हैं, आपको सारी सर्विस मिल जाएगी और बहुत अच्छे से मिलेगी। तो आगे जी रूम के अंदर, और जैसे ही रूम के अंदर आए तो हम बोलने वाले थे कि नैन्सी दीदी को कि तुम चले जाओ अपना पार्लर। तो फिर मालूम चला क्या कि सास बहू जो है दोनों पार्लर पहले ही जा चुके हैं। दोनों छोड़ के आए क्योंकि बुग्गा सो रहा है। अच्छा, तो उधर क्रियांश अपना सो रहा है और इसको सुलाने की तैयारी की जा रही है। वैसे नहीं भी सोएगा तो कोई बात नहीं, हम और पापा रहेंगे अपना संभाल लेंगे। और तुम लोग जो है अब जा सकती है, तुम लोग ने, अब तो बस तुम ही बची है। वहाँ से नहीं, जब तक फोन आएगा मम्मी आएगी तब हम जाएंगे, फालतू मजाक का बैठेंगे। अच्छा बढ़िया है फिर, क्योंकि सब संभाल नहीं पाएगा ना। अच्छा, कोई एक ही है जो सबका कर रही है? 2 है, एक मेकअप चल रहा है। ओके, पार्टी मेकअप चल रहा है इसलिए। 3 hours later हम रेडी हो चुके हैं और ये देख सकते हैं मेरा बड़ा वाला बुग्गा जो है वो भी रेडी हो चुका है। बुग्गा बुग्गा हेलो बोलो छुपू, हेलो बोलो छुपू, हेलो किचुआ। तो अभी हम आ गए जूस की शॉप पे और दीदी उधर एग रोल बनवा रही है और पति है उधर डोसा। सबका अलग अलग है, जिसको जो पसंद है वो खा रहे हैं। आज सुबह से हमने तो खाना नहीं किया और सबने खाना खा लिया। तो इधर भैया मेरे जूस बना रहे हैं संतरे का।